अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है मटन की, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। 800 ग्राम मटन में 1/3 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर डालेंगे और उसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। 20 मिनट के लिए इसको एक स्ट्रेनर में रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी रिलीज हो जाएगा। पांच बड़े साइज के लहसुन के जवे और 1 इंच तकरीबन जिंजर है, और इसको फाइन चॉप कर लेना है। पिसा हुआ अदरक लहसुन भी ले सकते हैं, बट उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा इसके अंदर। कोशिश करें कि इसको फाइन चॉप कर लें इस तरह से। और ये तकरीबन 6 टमाटर हैं, जिनको हम 8 पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। बकरीद के मौके पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अंदर बहुत कम मसाला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसका। और एक प्याज लेंगे हम, इसको बारीक ऑमलेट की तरह चॉप कर लेंगे। आप इसकी जगह 2 भी प्याज ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी और ज़्यादा करनी है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/3 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून कलौंजी, 1/3 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/3 टेबल स्पून मीट टेंडराइज़र। उसकी जगह पर आप पपीता या कचरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है। साल्ट अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई मिर्च जो होती है आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसको आप थोड़ा सा इमाम दस्ते के अंदर कूट लें, या सिल बट्टे पर कर लें, या हल्का सा मिक्सी के अंदर घुमा लें, पूरा इसको बारीक पाउडर ना बनाएं। तो ये हमारा मटेरियल रेडी है। और अब हम एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर हम इस मीट को फ्राई करेंगे। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर फ्राई करना है। ये रेसिपी वैसे तो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसके अंदर मीट टेंडराइज़र ऐड नहीं कर रहे हैं, तो फ्राई करने के बाद, किसी पैन में फ्राई करने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मीट टेंडराइज़र है, तो इसलिए जल्दी टेंडर हो जाएगा बिना किसी प्रेशर कुकर के। तो 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चॉप हुआ हुआ जिंजर गार्लिक, और ये सारे मसाले जो हमने कूटे थे इन सबको इसमें ऐड कर देना है। अब इसको 5 से 7 मिनट इन मसालों के साथ फ्राई करना है। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक मसालों के साथ, जब तक मसाले अच्छे से फ्राई ना हो जाएं मीट के साथ। इस रेसिपी को आप तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी से खाइए, या बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ख़ास तौर से बकरीद के टाइम पर लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा ग्रेवी वाला खाना, तो इसमें बहुत कम ग्रेवी बनेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप हुआ हुआ टमाटर और प्याज, क्योंकि अभी हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से खुशबू आ रही है। तीन चार मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे, चलाते रहेंगे लगातार।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कढ़ाई में बनाना नहीं चाहते तो आप इसी पोजीशन में इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको कुक होने के लिए प्रेशर कुकर में रख सकते हैं। इसमें हमें दही और ऐड करना है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा दही। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको सीधा प्रेशर कुकर में सीटी ले लें, दो चार, जितना आपको लगे कि आपका ये मीट टेंडर हो जाएगा। जब तक सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट और ऐड कर रहा हूँ। तो सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक रखें, जितना आपको ऐड करना हो। तो हम इसी तरह से इसको कुक करेंगे और इसको थोड़ी देर में हम कवर कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इसको कुक करना है जब तक हमारा मीट टेंडर नहीं हो जाता। और मीट टेंडराइज़र आप इसी के अकॉर्डिंग डालें कि जैसा कि आप मीट ले रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीने का ले रहे हैं तो जल्दी टेंडर हो जाता है, और अगर आप लेग का ले रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो ये सीने का गोश्त है तो ये जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो ये तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल रहा हूँ। तो देखें, बिल्कुल हमारा ये रेडी हो चुका है और मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसको करेंगे गार्निश, जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया है फाइन, और कुछ हरी मिर्च और जिंजर जूलियन कट की है। तो अब हम इसको इसी से गार्निश करेंगे और साथ में इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। तो ये हमने कट करके रखी थी पहले से ही जिंजर जूलियन, और ये हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी इसके अंदर। और लेमन आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड करें, क्योंकि इसमें दही भी है, टमाटर भी है, तो आप जितना आपको लगे कि आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मटन रेडी है। दोस्तों, तौफीक की चिकन बिरयानी के ऊपर हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमें बड़े की बिरयानी भी बनाना सिखाएं तौफीक की। तो हमने ये बड़े की जगह पर मटन इस्तेमाल किया था, तो हमने मटन की बिरयानी बनाई है। तो इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप उसको क्लिक करें और इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी बिरयानी है ये। तो ईद के मौके पर आप इसको बनाएं और दुआ में याद रखें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।